हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने वीडियो ट्रांस वन की एरर से रिलेटेड। एक्चुअली कुछ लोगों को ट्रान वन फाइल करने के बाद एरर आ रही है, प्रोसेस्ड विद एरर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि ये हो क्यों रहा है। एक्चुअली जब आप ट्रांस वन फाइल करते हैं, ट्रान वन में आपको डालना होता है, जैसे आपके पास ऑलरेडी सर्विस टैक्स नंबर था जीएसटी आने से पहले, तो आपको या तो सर्विस टैक्स नंबर ऐड करना होता है, या अगर हम वैट की बात करें तो अपना वैट नंबर ऐड करना होता है। तो जब आप अपना ये नंबर्स ऐड करके ट्रान वन फाइल करते हो, तो जो जीएसटी का एप्लीकेशन है वो उन नंबर्स को क्रॉस चेक करता है आपकी उन डिटेल्स के साथ जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो नंबर्स एंटर किए थे, वो उनको उनके साथ मैच करता है। मैचिंग के टाइम पे अगर आपके उस नंबर में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने मान लीजिए उस नंबर में कोई मिस्टेक की उसे लिखने में, और फिर आप ट्रान वन फाइल करते टाइम जो नंबर डाल रहे हैं अपना वैट नंबर, सर्विस टैक्स नंबर, एक्साइज नंबर या किसी भी और जो आप प्रीवियस लॉ में जिसमें रजिस्टर्ड थे उसका जिसका भी नंबर आप डाल रहे हैं, अगर वो मिसमैच है आपके उस नंबर से जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ऐड की थी डिटेल्स, तो उसकी वजह से आपकी ट्रान वन फाइल करने पर आपको एरर आएगी, प्रोसेस्ड विद एरर्स। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में देख पाएंगे अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन कोर फील्ड्स। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर अमेंड करने की ऑप्शन आएगी, जहाँ पर आप अपने इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन इनको ऐड कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वहाँ जाकर आप चेक कर लें एक बार आपने पहले कौन सा अपना नंबर डाला था, क्या उसमें कोई मिसमैच तो नहीं है। अगर उसमें मिसमैच था या आप पहले ऐड करना ही भूल गए थे, तो अब आपको ऐड करना पड़ेगा। आप ये अमेंडमेंट इन नॉन कोर फील्ड्स में जाके इन्हें ऐड कर लीजिएगा। ऐड करते हुए ध्यान रखिएगा अपने नंबर को बहुत केयरफुली डालेगा, कोई भी कोमा, कोई सेमी कोलन, कोई स्पेस अलाउड नहीं है। बहुत ही केयरफुली जो भी नंबर आपके डॉक्यूमेंट्स पे हो, आपके सर्विस टैक्स के डॉक्यूमेंट पे या वैट के डॉक्यूमेंट पे या एक्साइज के डॉक्यूमेंट पे, वही नंबर डालिएगा और उस नंबर को डालकर अपने नॉन कोर एरिया फील्ड्स वाली रिवीजन को कर दीजिएगा सबमिट। उसके सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद फिर आप अपनी ट्रान्वन जब दोबारा से फाइल करेंगे तो आपकी ट्रान्वन हो जाएगी प्रोसेस विदाउट एनी एरर। एक चीज़ और यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगी कि ट्रान वन भरने की लास्ट डेट अब है 31 अक्टूबर 2017। अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था उसमें ये बोला गया है कि आप अपनी ट्रान वन फाइल कर सकते हैं अब 31 अक्टूबर 2017 तक, जो पहले बताई गई थी डेट 30 सितंबर 2017 तक, और ट्रान वन को रिवाइज़ करने की डेट भी अब 31 अक्टूबर 2017 ही है। तो 31 अक्टूबर से पहले अपनी ट्रान वन फाइल कर लीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं ट्रान वन की वीडियो तो मैंने यहाँ आई बटन पर लिंक कर दी है, वहाँ जाकर देख लें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल दी है, वहाँ जाकर देख लें ट्रान वन कैसे फाइल करना है। तो एरर आ रही है प्रोसेस्ड विद एरर ट्रान वन के लिए, वो इसी से सॉल्व होगी। इसके लिए मैं आपको जीएसटी की वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन भी आया हुआ है वो भी आपको दिखा दे। ये जीएसटी की वेबसाइट पे आया है एडवाइजरी ऑन क्लेमिंग क्रेडिट इन ट्रान वन इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट टैक्स पेयर्स आर फेसिंग प्रॉब्लम इन क्लेमिंग ट्रांजिशनल क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन अंडर अर्लियर लॉ ऑफ सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स एंड वैट। When these registrations are mentioned in the Tran 1 form in different tables and transitional credit claimed against them, the taxpayer gets the message of processed with error when they save such details. This happens because the application validate the furnished registration number under existing law in Tran 1 with the registration number mentioned in the registration or enrollment application. Hence, to claim transitional credit in respect of earlier registration, one must first include them in his enrollment registration during using the non-core amendment facility and then file Tran 1. Then, when file the application of non-core registration amendment, following care must be taken at the relevant places of application. Number 1, one should not use special characters while adding service tax number, central excise number, VAT and TIN on the business detail.
वन शुड इंश्योर दैट नो डुप्लीकेट ईमेल और फोन नंबर इज गिवन फॉर प्रोमोटर पार्टनर और ऑथराइज सिग्नेटरीज एंड वन शुड सी द सर्विस अकाउंटिंग कोड प्रोवाइडेड ड्यूरिंग माइग्रेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड एज पर न्यू सर्विस कोड्स एंड नोट द अर्लियर वंस। तो आप सभी को ये एरर्स पहले अपनी ठीक करनी है। अगर आपके पास मैसेज आ रहा है प्रोसेस्ड विद एरर, तो आपको ध्यान रखना है कि सर्विस टैक्स वैट या एक्साइज नंबर डालते हुए कोई भी स्पेशल करेक्टर यूज़ नहीं करना है। एक ही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर सभी प्रोमोटर और पार्टनर्स के लिए यूज़ नहीं करना है। और SAC डालते हुए भी ध्यान रखना है कि पहले जो सर्विस अकाउंटिंग कोड थे वो 9 वाली सीरीज़ से शुरू होते थे, जबकि GST में आपको 0004 वाली सीरीज़ में ही सारे अकाउंटिंग कोड्स मिलेंगे। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू अब आपकी एरर जो है प्रोसेस्ड विद एरर TRAN1 के लिए वो हो जाएगी सॉल्व। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक करना मत भूलिए। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को ऐसी एरर आ रही है तो उनके साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।